हेलो गाइस, माय नेम इज वैभव दीवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो और देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी। आज एक पॉजिटिव कैंडल निफ्टी के अंदर देखने को मिला है और एक गुड न्यूज़ ये है मार्केट के अंदर कि 17 डेज के बाद, आज कॉन्जिक्यूटिव 17 डेज के सेलिंग के बाद आज FIIs ने बाइंग किया है। नेट टू नेट पॉजिटिव रहा है आज FIIs और DIIs दोनों का, तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है क्योंकि 17,800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल अभी दिख रहा है। तो वी कैन एक्चुअली थिंक फॉर गोइंग पोजिशनल राइट नाउ, स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं इवन इन इंडेक्स इंडेक्सेस ऑल्सो। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी के अंदर। निफ्टी एक बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक बाइंग मोमेंटम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, राइट? तो हमारा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए और हम लोगों को कहाँ पे एक हर्डल हो सकता है आने कल के दिन, तो हम लोग ये ट्रैक करते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू। देखते हैं बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो निफ्टी के अंदर जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, निफ्टी के अंदर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है दैट इज ऑन कॉल साइड, दैट इज 1,42,900, दैट इज अराउंड 18,200 लेवल, राइट? सो दिस विल एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। फर्स्ट हर्डल ये बन सकता है अगर कल के दिन मार्केट अपसाइड के लिए रैली करेगा तो, और डाउन साइड के लिए सबसे अच्छा सपोर्ट अभी फिलहाल तो समवेयर अराउंड 18,000 रहेगा, लेकिन जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है दैट इज ऑन 17,900, दैट इज 1,85,000। लेकिन आज जो हाईएस्ट चेंज इन ओआई हुआ है दैट इज ऑन 18,000 लेवल, वो 80,000 के आसपास हम लोगों को चेंज इन ओ आई यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस कैन एक्ट एज वेरी गुड सपोर्ट। अभी मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल और एक राउंड लेवल भी था मार्केट के अंदर। तो एक वो बहुत बड़ा हर्डल यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा था पिछले कई दिनों से, उसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पा रहा था, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि 18,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कल कंटिन्यूएशन हम लोगों को दिख सकता है, मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है कल। तो पहला हर्डल जो निफ्टी के अंदर हम लोगों को दिख रहा है दैट इज 18,200 एज पर ओआई डेटा, राइट? और एक चीज आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, देर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओआई ऑन पुट साइड। आज पुट के तरफ देर इज अ सिग्निफिकेंट ओआई चेंज, राइट? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर स्ट्राइक प्राइस पे देर इज अ सिग्निफिकेंट ओआई चेंज कंपेयर टू कॉल साइड। कॉल साइड यहाँ पे लोग एग्जिट कर रहे हैं अपना पोजीशन, यू कैन सी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी पुट के तरफ बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हैं पुट शॉर्ट करके। इसका मतलब है मार्केट विल मे गिव अ वेरी गुड रैली टुमोरो एज वेल। तो एक बहुत अच्छा क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है। तो चलिए अभी देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर कि कहाँ पे कल हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और क्या हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए। आज दिन भर में क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ समवेयर अराउंड दिस लेवल, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट गैप के साथ खुला, फिर एक बहुत अच्छा रैली हम लोगों को देखने को मिला, फिर एक पुल बैक जैसा हम लोगों को मिला, लेकिन ये बहुत शार्प पुल बैक था, मतलब कि एक बहुत बड़ा पुल बैक था। फिर उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है, राइट? पिछले कई सारे दिनों के हम लोगों को यहाँ पे हर्डल्स को ब्रेक करते हुए यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया, दैट इज दैट टू ऑन 18,000 के ऊपर। तो कल भी हम लोगों को यहाँ पे जैसे ही मार्केट खुला यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन आज उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो कल हम लोग जैसे ही मार्केट खुले अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, समवेयर अराउंड 18,050 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट कल यहाँ पे खुलता है समवेयर बिटवीन दिस लेवल 18,000 और 18,050 के लेवल के बीच में, तो फिर से हम लोग को एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर गलती से अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो वेट फॉर द प्राइस एक्शन, एक छोटा सा गैप फिलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है, उसके बाद फिर मोमेंटम करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला तो देन वेट एंड वॉच का सिनारियो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो बहुत सारे पुट सेलर्स जो हैं वो फंस जाएंगे, राइट? और वहां पे वो लोग सारे एग्जिट
मारने चालू करेंगे और यहाँ पे जो कॉल सेलर जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, 18,000 और 18,100, ये सारे कॉल सेलर्स एक्टिवेट यहाँ पे इस लेवल पे हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा फिर से हम लोगों को 17,900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, या फिर 17,800 भी मार्केट टच कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो बहुत अच्छा सिनारियो रहेगा, कल फिर से मार्केट मोमेंटम कर सकता है और हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, राइट। हम लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए 30-40 रुपीज का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 1:2 का हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और अगर मार्केट 18,100 को भी ब्रेक करता है तो डायरेक्टली हम लोग 18,200 तक का टारगेट भी हम लोग देख सकते हैं कल के दिन में, राइट। सो दिस वाज अबाउट निफ्टी। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी ने एक पॉज कैंडल बनाया है, एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, और आज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी वॉज वेरी वीक। तो कल हम लोगों को अगर मार्केट के अंदर रैली मिलता है तो बैंक निफ्टी विल बी लाइक बैंक निफ्टी माइट आउट परफॉर्म, बिकॉज आज मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया कंपेयर टू निफ्टी, राइट। तो अभी भी एक बहुत अच्छा हर्डल बाकी है बैंक निफ्टी के अंदर, दैट इज 42,800। इसके ऊपर ही हम लोग एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर वो लेवल टूट गया है। 18,000 वॉज वेरी बिग हर्डल और उसके ऊपर हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिला, तो एग्रेसिव हम लोग जा सकते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी 42,800 विल एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। तो कल देखते हैं मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है कि नहीं। और अभी हम लोग ऑप्शन चेन के थ्रू एनालिसिस करते हैं, बड़े प्लेयर्स के पोजीशंस हम लोग ट्रैक करते हैं थ्रू ऑप्शन चेन। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे 19 जनवरी का एक्सपायरी देख रहे हैं, तो अभी ऑप्शन चेन के अंदर आप लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, देर इज अ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल एट 42,500 लेवल। 42,500 पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पे अभी दिख रहा है, दैट इज ऑन कॉल साइड। और पुट्स की तरफ 42,000 इज हैविंग द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, राइट। यहाँ पे देखिए 1,45,000 अवेलेबल है। तो अभी ये एक रेंज है 42,000 और 42,500। अगर मार्केट कल इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है 42,500 के ऊपर, तो हम लोग फिर नेक्स्ट टारगेट तक 42,800 तक हम लोग 300 पॉइंट्स का टारगेट कर सकते हैं। तो और एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए, सेम एज निफ्टी आज यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंज तो दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे लोग कई सारे लोग एग्जिट कर रहे हैं अपने पोजीशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल की तरफ पीपल आर एग्जिटिंग देयर पोजीशन, और पुट की तरफ भी यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं एट द मनी कॉल ऑप्शन के, एट द मनी के पास। तो आई एम मोर बुलिश ऑन निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 42,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग और एक बहुत अच्छा ट्रेड हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी डेटा वाइज भी कुछ उतना खास नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि कहाँ पे हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए और हम लोग कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज मार्केट ओपन हुआ, राइट, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, एक छोटा सा पुल बैक दिया और एक बहुत अच्छा सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। और यहाँ पे 41,800 के आसपास मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और एक शार्प बाउंस हम लोग को देखने को मिला। क्लोजिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन निफ्टी के कंपेयर में समवेयर बैंक निफ्टी आज थोड़ा वीक था। तो हम लोग का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? देखिए, कल अगर मार्केट इस लेवल के कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास हम लोगों का एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट, और अगर मार्केट कल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वी कैन गो बुलिश और 42,800 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है, कहीं ना कहीं अगर आप देखो 42,400 या फिर 42,000 इस रेंज के अंदर खुलता है तो दैट इज गोइंग टू बी अ फ्लैट रेंज फॉर मी। और अगर इस रेंज के अंदर खुलता है, जैसे ही मार्केट 42,400 को ब्रेक करता है, वी कैन एंटर और एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग 42,800 का टारगेट ले सकते हैं। और डाउन साइड के लिए अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है अगर कल मार्केट, तो
तो फिर से एक सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है। और वेट कीजिए, प्राइस एक्शन का डायरेक्टली एंटर मत कीजिए, यू कैन, वो एक बुल ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज FIIs का डेटा भी पॉजिटिव हुआ है। आफ्टर 17 कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑफ FII सेलिंग आज मार्केट के अंदर, मतलब आज FIIs ने नेट में 200 करोड़ समथिंग बाइंग उन लोगों ने किया है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कल क्या हो सकता है। और कुछ स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। फर्स्ट वन इज वर्लपूल। तो वर्लपूल के अंदर आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, एक बहुत अच्छा क्लोजिंग हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, राइट। तो कल भी एक कंटिन्यूएशन हम लोगों को दिख सकता है वर्लपूल के अंदर। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर आप डेज लो, जैसे ही ब्रेक करता है, डे लो ब्रेक होते ही आप लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर 1:2 या 1:3 आप लोग टारगेट कर सकते हो, राइट। सो कीप दिस स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट। सेकेंड है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, 1 मिनट, या तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे एक हर्डल बना हुआ था, यहाँ पे जैसे मार्केट आ रहा था, एक पिछले कई दिनों से रेंज में, एक टाइट रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और आज एक बहुत अच्छा क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को एक फॉलो अप बाइंग हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आज FMCG स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग दिख रहे थे, तो कल भी एक फॉलो अप बाइंग इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही मार्केट, जैसे ही ये स्टॉक 6,2675 के ऊपर, 7.5 के ऊपर निकलता है, यू कैन कीप अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड यू कैन टारगेट फॉर 1:2 और 1:3। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू पॉलीकैब। पॉलीकैब के अंदर भी आप लोग देख सकते हो एक बहुत अच्छा क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बहुत छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे दिख रहे थे, और पिछले 4 दिनों से यहाँ पे एक रेंज के अंदर था, और आज उसके ऊपर पॉलीकैब ने क्लोजिंग दिया है। तो एक बहुत अच्छा कल भी हम लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है पॉलीकैब के अंदर। तो कीप दिस स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल नाउ, और आई होप यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट। और ऐसे ही वीडियोज हर दिन मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। प्लीज सपोर्ट माई वर्क, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर इन टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।